हेलो गाइस, वेलकम टू रैपिड रिवीजन सीरीज। आज हम फोर्थ वीडियो के साथ में आगे बढ़ेंगे। तीन वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा पढ़ चुके हैं। तो 10-15 मिनट अगर आप अपनी हमें दोगे, डेली 5 मिनट चाहिए बस, तो उन 5 मिनट से आप बहुत सारा अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो भाई। तो आपका जो है ना रैपिड रिवीजन सीरीज की फोर्थ वीडियो आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ भाई। आज टॉपिक का नाम है ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपने पढ़ा होगा इंसानों के अंदर, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड। ब्लड के बारे में आपको ज्यादा पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो इसको जरूर देखें भाई, सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। देखो ये रहा ब्लड, ये रहा इंसान के अंदर ब्लड। डेफिनेशन सबको बताओगे भाई, ये लाल कलर का कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के अंदर घूमता रहता है, ठीक है। उसके बाद में भाई ब्लड के अंदर जो है ना दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट है भाई टोटल? दो कंपोनेंट ब्लड के अंदर। दो चीज है, पहली भाई प्लाज्मा, पहली क्या है? प्लाज्मा। दूसरी है प्लाज्मा के अंदर पड़े हुए एलिमेंट्स, उनको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स भाई, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ब्लड सेल्स भी बोलता है कोई कोई, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का ये नाम क्या है? ब्लड सेल्स। देखो अब एक बार भैया, बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा है, बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, वो केवल 55% होता है टोटल ब्लड का। 55% ही होता है। तो बच्चा कुछ है, जो 45% है वो क्या होता है? वो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को भी आपने तीन हिस्सों के अंदर पढ़ा हुआ है। पहला आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स। तीसरा क्या होता है आपका? प्लेटलेट्स। भाई इनके साइंटिफिक नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आरबीसी का जो साइंटिफिक नाम है वो है इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स। जो WBC का नाम है वो होता है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। जो प्लेटलेट्स का नाम है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ये कॉम्पिटिशन के अंदर भी कई बार आया हुआ है भाई। तो ये जो इनका साइंटिफिक नाम है, उसके बाद चीजें समझना। देखो भाई, इरिथ्रो का मीनिंग ही रेड होता है। इरिथ्रो का मीनिंग ही क्या होता है? रेड। कोई कोई इनको रेड ब्लड कॉर्पकल्स भी बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये रेड होता है क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होता है रेड कलर का हीमोग्लोबिन। आपके पास अगर क्वेश्चन आए कि ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आप बोलोगे हीमोग्लोबिन। अब फिर क्वेश्चन अगर आए कि हीमोग्लोबिन इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, इसके अंदर क्या होता है भाई? आयरन होता है। और आयरन को आपने देखा भी होगा, जब जंग लग जाता है लोहे के ऊपर तो वो रेड कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का। तो ब्लड रेड क्यों होता है? क्योंकि हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन रेड क्यों होता है? क्योंकि आयरन है। आगे चलते हैं बात को लेकर। इधर देख लो एक बार प्लाज्मा के बारे में भाई। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। इसके अलावा जो 6 से 8% है वो इसके प्रोटीन्स वगैरह होता है। प्रोटीन्स के अंदर इसकी बहुत सारी चीज आती है, जैसे कि भैया फिब्रिनोजन नाम का एक प्रोटीन होता है, ठीक है। एक ग्लोब्यूलिन होता है, ठीक है। एक एल्ब्यूमिन होता है। सबके अलग अलग काम है। आप 10th के हिसाब से पढ़ रहे हो तो इतना ज्यादा याद नहीं रखना। बस आपको जो है ना आरबीसी के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो आरबीसी के बारे में ज्यादा ध्यान रखना। चल आगे चलते हैं लेकर के चीजों को, ठीक है भाई। तो आरबीसी के बारे में मैंने क्या बताया? बताया आपको रेड ब्लड कॉर्पेकल्स, या फिर साइंटिफिक नेम हो गया इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मीनिंग रेड होता है, तो रेड कलर के होते हैं क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन रेड होता है क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है। देखो भाई, अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ये मान लो एक हीमोग्लोबिन है भाई। ये एक हीमोग्लोबिन एक हाथ से एक ऑक्सीजन पकड़ता है, दूसरा हाथ से दूसरा, तीसरा हाथ से तीसरा, चौथा हाथ से चार। तो चार हाथ होते हैं इसके, चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बॉडी के अंदर घुमाता रहता है। इसका मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? हीमोग्लोबिन कराता है। तो ये जो है ना आपका ट्रांसपोर्ट कराता है गैसेस का, ठीक है भाई। आगे बताओ इसके बारे में भाई। ये जो आपकी आरबीसी है, ये इन्यूक्लिएटेड होती है। न्यूक्लियस पॉपुलेशन ना होता इसके अंदर। अब भाई जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, इसका मतलब सेल का कंट्रोल कौन कर रहा होगा? कोई नहीं कर रहा होगा, क्योंकि सेल का जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस करता है। तो इसलिए इन सेल का कोई ठिकाने बिकाने नहीं होता, उल्टा सीधा काम करते फिरते हैं, जिनकी वजह से इनकी जो जिंदगी है वो हो जाती है कम। इनकी जो जिंदगी है वो होती है 120 डेज की। ये लाइफ स्पेन है इसका, ठीक है। 4 महीने बैठ के भाई हिसाब लगा लेना एक बार। उसके बाद देखो भाई, जब चीजें मर जाती है तो उनको या तो दफनाया जाता है या जलाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जब मर जाती है तो ये भी अपने कब्रिस्तान में चले जाती है। इनका जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान को बोलते हैं ग्रेव यार्ड। तो इनका जो कब्रिस्तान है वो है लीवर के अंदर। कहां है भाई? लीवर के अंदर। और उसका नाम भी है कब्रिस्तान, स्पिलीन, ठीक है भाई। ये आरबीसी के बारे में बातें थी, काम खत्म। उसके बाद आ जाओ WBC, साइंटिफिक नाम ल्यूकोसाइट है। इनका मेन काम क्या है? ये बॉडी को इन्फेक्शन के खिलाफ बचाती है, ठीक है, प्रोटेक्शन देंगी है।
फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाएगी भाई बॉडी को। उसके बाद थ्रोम्बोसाइट पे आ जाओ, ये बहुत तरह के होती है, इनके बारे में तो अलग ही क्लास लेनी है आपको, इलेवंथ क्लास के अंदर पढ़ोगे आप ज्यादा, टेंथ के हिसाब से इतना बहुत है। उसके बाद आ जाओ आगे भाई, ये जो प्लेटलेट्स है ये क्या करती है, ब्लड क्लोटिंग का काम करती है। ये ब्लड अगर खून निकल जाता है उसके ऊपर करंट लगाने का काम करती है, ब्लड क्लोटिंग का काम इसी का होता है। इन तीनों को चीजों को मिला के बनते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि 45% ब्लड का हिस्सा होता है, और जो 55 है वो होता है आपका प्लाज्मा। तो एक क्वेश्चन आया पेपर के अंदर कि ब्लड जो लिक्विड होता है क्यों, तो आप बोलोगे बिकॉज ब्लड कंटेंस प्लाज्मा विच कंटेंस 90 to 92%, 90 से 92% क्या होता है इसके अंदर, वाटर होता है, जिसकी वजह से ब्लड इज लिक्विड। इतना ही पढ़ना आपको ब्लड के अंदर। थैंक यू।